एवरीवन, चलो बाहर चल के देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सांता क्लॉज ने हमें क्या गिफ्ट दिया और मैंने अभी तक आप सबको दिखाया क्यों नहीं है। तो रुको जरा, अभी है ना मैं जल्दी से नहा के आ जाती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा हेयर वॉश भी करना है। तो हेयर वॉश वगैरह करने के बाद मैं फिर मैं आपको आराम से दिखाऊंगी कि सांता क्लॉज ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ये मेरे घर वाले है ना, सब मेरे को बोल रहे हैं कि तू है ना बाल कटा ले। मतलब है ना क्या बोलते हैं, लाइफ के पहले बाल कटाते वो बाल कटा ले। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं बाल काटने के, मेरे को ऐसे बड़े बाल रखने के, ऐसे मेरे को हैंडसम बॉय दिखने का हैंडसम बॉय। जब मेरे को उन्होंने बोला कि बाल कटा ले तो मेरे को बुरा नहीं लगा नहीं, लेकिन फिर मैंने भी बोला कि पापा तुम ही बाल कटा लो। तो चिकू बेबी को क्या दिया। बच्चे तेरे को क्या लगता क्या होगा इसमें? ये तो यही सॉक्स की दूसरी जोड़ है। ये देख चिकू, ये सांता क्लॉज ने ना मेरे साथ में चीटिंग की, मेरे एक सॉक्स के अंदर मेरा वो दूसरा सॉक्स डाल दिया। सांता क्लॉज ने चीटिंग की मेरे साथ में। अभी मैं ना नेक्स्ट ईयर है ना थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना, तो फिर उसके बाद में मैं देखूंगा सांता क्लॉज को। तो मैं ना नहा के रेडी होके आ गई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सांता क्लॉज ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, जिसको जानने के लिए ना मैं भी एक्साइटेड हूँ। ये देख, 1 2 3, इतना बड़ा बॉक्स दिया है सांता क्लॉज ने मुझे। अब पता नहीं इसमें क्या होगा, ओपन करो इसको। हाँ कर जल्दी से। मम्मी भी एक्साइटेड है मेरे साथ इसमें क्या होगा। तो यार आप सब लोग गैस करो इसमें क्या होगा, लास्ट टाइम से भी ज्यादा बड़ा गिफ्ट दिया है इस बार सांता क्लॉज ने मुझे। चलो ओपन करते हैं, एक्साइटमेंट ही इतनी है मैं क्या बताऊँ आपको। 1 2 3, चाहते तू फिट रहे, एक्सरसाइज करे और सभी बच्चों ने एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, आप सब लोग भी एक्सरसाइज किया करो यार। इसकी पैंट देखो ना कितनी मस्त है। ओ भाई साहब, इसमें भी जिम वेयर है। दो दो सेम सेम भेज दिया सांता ने मुझे। अब क्या ओपन करूँ मम्मी, आप बताओ।
पर्पल वाला, हाँ हाँ वही वही, हाँ जो हाथ में लिया ये वाला ग्रीन वाला। हाँ चलो ठीक है, इसको ओपन करते हैं। प्लीज यार इसमें जिम वेयर ना हो, क्योंकि दो तीन जिम वेयर हो गए मेरे पास अभी। मन भी लगा रहेगा एक्सरसाइज करने हाँ, में। मम्मी ने एकदम सही बात कही, मन भी लगा रहेगा एक्सरसाइज करने में। आई थिंक इसमें भी जिम वेयर ही होगा। देख सांता चाहते ही तेरे से कि तू एक्सरसाइज करे। हाँ ये देखो इसमें भी जिम वेयर है, लेकिन देखो ना अलग अलग कलर के जिम वेयर है, तो मुझे भी एकदम अच्छा लग रहा है इतने सारे जिम वेयर देख के। पहले आप ये देख लो, मैं ना इसमें से कोई एक पहन के भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है गर्ल्स? अब बस दो ही बाकी रह गए, ये ब्लू वाला एक और ये वाला एक। वाओ ये भी जिम वेयर। अरे मम्मी ये आपके लिए, ये देखो। क्या? हाँ देखो अभी सांता भी चाहते कि आप भी वर्कआउट करो, फिट रहो, आयरन वायरन बढ़ाओ, ठीक है, और थोड़ा सा वेट लॉस करो। देखा सांता भी चाहते हैं, ठीक है। अब आपको भी मेरे साथ वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है ना आपका जिम वेयर, देखो ना सांता ने आपको इतना मस्त कलर कलर वाला भेजा है। गर्ल्स आप लोग बताओ मम्मी का जिम वेयर अच्छा है ना? एकदम कंफर्टेबल है मम्मी के लिए। अभी लास्ट एक ही बचा है, देखते हैं इसमें क्या है। ये भी जिम वेयर है, ये देखो ये ब्लू कलर का जिम वेयर है, और ये रही इसकी पैंट। यार ये क्या सांता, आपने सब मुझे जिम वेयर भेज दिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सांता ने अच्छा किया इतने सारे जिम वेयर भेज के, देखो। हाँ यार नए कपड़े पहनने के बाद में और ऐसे मस्त मस्त जिम वेयर पहनने के बाद में एकदम स्फूर्ति आ जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा मम्मी आप मुझे ये बताओ मैं कौन सा वाला पहन के दिखाऊँ सबको? ब्लू वाला। ये ब्लू वाला बताओ, आ जाओ देखने आपको। आ जा अभी। बहुत मस्त लग रहा है। मुझे ना एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है ऐसे ये पहन के। ऐसे लग रहा है ना अभी एक्सरसाइज करूं। हाँ ऐसे लग रहा है मैं अभी वर्कआउट स्टार्ट करूं, ठीक है कर लेती हूँ। ऐसा लग रहा है मैं जिम में जाके वर्कआउट कर लूं। ऐसे होता है नए कपड़े पहनने के बाद। आप है ना मेरे हर वीडियो में मेरे वर्कआउट के ड्रेसेस देख ही लोगे, अभी क्या पहन के दिखाऊं मैं आपको। और हाँ आज शाम को है ना मुझे एक स्पेशल पर्सन के एंगेजमेंट में जाना है, जिसको आप है ना बहुत अच्छे से जानते हो और जो हमारे सिटी में ही रहती है। तो क्या आप गेस कर सकते हो मैं किसके एंगेजमेंट में जा रही हूँ? बताओ बताओ कमेंट्स में बताओ। और हाँ देखो कितनी सारी लड़कियां मुझसे मिलने आई है। जाने के लिए और हर लड़की की तरह मैं भी है ना सुपर कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूँ, कौन सा ड्रेस पहनूँ। तो अभी मेरी मम्मी फटाफट मुझे बताएगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। क्यों मम्मी? तो दिवाली वाला घाघरा पहन लेना। दिवाली वाला? हाँ ठीक है चलेगा, वैसे भी उसको दिवाली में ही पहना था, उसके बाद में पहना ही नहीं। ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। थैंक यू मम्मी। बताओ किस किस की मम्मी ऐसे कपड़े चूज करने में उनकी हेल्प करती है मेरी तरह, बताओ बताओ। ये देखो ये रहा मेरा दिवाली वाला लहंगा। आज भी मम्मी मुझे डांट रही है कि कैसे तूने दिवाली खेली कि लहंगा इतना फट गया। अब दिवाली को हो गए 2-3 महीने और मम्मी मुझे आज डांट रही है, क्यों मम्मी? तो देख ना कितना जल गया हो। अब क्या कर सकते हैं, पहनना पड़ेगा इसको, ऐसे कुछ करके दो मम्मी अभी आप ही। हाँ। और हाँ पापा भी है ना काम से आए नहीं है, तो जब तक पापा आ जाते हैं ना तब तक मम्मी और मैं हम दोनों रेडी हो जाते हैं।
फिर पापा आएंगे तो पापा क्या है फटाफट रेडी हो जाते हैं, पापा को इतना टाइम नहीं लगता। देखो पहन लिया मैंने अपना ये ड्रेस और मम्मी भी देखो कितनी मस्त लग रही है साड़ी में। वाओ मम्मी कितनी प्यारी लग रही है कि नहीं बताओ कमेंट में। तो मम्मी ने बोला किया ना आज मैं उनका मेकअप करके दो है ना मम्मी, कितने दिन हो गए मैंने मम्मी का मेकअप नहीं किया, मुझे मम्मी का मेकअप करना बहुत अच्छा है। देखो नानी भी देख रही है, आई तुझा मेकअप करूंगा। हां मां जा मत आना कर मेकअप। तो मैंने ना मम्मी का मेकअप कर लिया, काजल वगैरह वो सब मम्मी लगा लेगी, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूं क्योंकि पापा आ गए ना बहुत लेट करेंगे। मम्मी मैं काजल लगाऊं कि नहीं लगाऊं? पापा आ गए। आ गए पापा। हुआ ही नहीं का तुम्हारा अभी तक? नहीं हो गया बस 5 मिनट, आप भी रेडी हो जाओ जल्दी। जब लेट होता है ना तो मम्मी और मैं ऐसे साथ में रेडी होते हैं, थोड़ी सी जगह दो ना मेरे को। देख अभी मैं ना नए कपड़े पहनूंगा ये वाले। पापा ये नए कपड़े क्या? 50 बार तो इसको पहन लिया है। नहीं वो ये पैंट को तो सिर्फ 2 साल हो गए लेके। 2 साल चल। क्या खा रहा तू उधर दरवाजा तोड़ के? दरवाजा तोड़ के मिट्टी खा रहा हूँ वहाँ पे। मिट्टी खा रहा हूँ। मिट्टी खा रहा हूँ वहाँ से मिट्टी निकल रही वहाँ। पापा आप ही बोलते रहते ना कि ये ना इंसान ने सब खाना चाहिए तो मैं मिट्टी खा रहा। तेरी स्माइल कितनी क्यूट है जी। डॉक्टर जी। डॉक्टर जी इधर देखो ना। अंदर कौन से जानवर बैठे वाले जो खा जाएंगे? अच्छा नहीं लगता वैसे। इधर आपने सनमाइका का नहीं लगाया उसमें? हाँ इधर से इधर से। चलो अपने को है ना बुके लेना है। ठीक है हाँ एकदम मस्त सा बुके लूंगी मैं। पापा पैसे चलो बुके लेते हैं। मम्मी आप बताओ ना कौन सा वाला चाहिए? ये वाला अच्छा है? देखो ना ये बुके कितना मस्त है। पापा आप क्या लेने गए थे? अरे वो शेंगदाने लेने गया था ना, इसको अभी आयरन चाहिए ना, तो शेंगदाने खा के आयरन बढ़ेगा अभी। वाह मम्मी खाओ शेंगदाने। खाए ना मैंने। हाँ चलो तो हम लोग पहुँच गए विष्णु प्रिया के एंगेजमेंट पार्टी में। अरे रुको एक सेकंड पापा। हाँ चलो पापा ने देखो ना कोम भी नहीं किया वैसे ही आ गए। तो क्या हो गया? थर्ड फ्लोर तो करो कोई बात नहीं। पापा जैसे भी बहुत अच्छे दिखते हैं है कि नहीं बताओ कमेंट में। सुन रही क्या? हाँ ना सुन रही ना। सर इधर कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आइए आप अंदर आइए। हाँ, जिसमें 2 मिनट लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
स्पेशल डे है, आप उसमें इन्वॉल्व हुए, मेरे बहुत दूर दूर से फ्रेंड्स आए हैं, सो थैंक यू सो मच। यस, यहाँ पर भी बहुत दूर से आए हैं एंड थैंक यू सो मच, आप हमेशा इतना प्यार देते हो। मेरी तरफ से विष्णु प्रिया दी को ढेर सारे बेस्ट विशेस। ये है जानवी, आपको याद होगा मेरे सारी महाराष्ट्र की शान म्यूजिक वीडियो में जानवी भी मेरे साथ थी। चलते हैं स्टेज पे, कॉन्ग्रेचुलेशन करके आता है। हाँ हाँ चल जानवी, चल बैठ सकते। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सही। थैंक यू सो मच, मैंने बिंदास काव्या आई थिंक बहुत बिजी थी, पुणे में थी एंड फिर भी वो आई मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अच्छी थी और विष्णु प्रिया दी भी बहुत अच्छी है, बहुत खुश थी, ऐसे ही खुश रहे वो। हाँ ऐसे ही खुश रहे, यही है हमारी दुआ। और चलो मैं ना जल्दी से ये ड्रेस निकालती हूँ, ये इतना हैवी है ना, देखो। अरे बच्चे तू अभी तक सोया नहीं, पापा आ रहे हैं। बंद कर बंद कर, जा जल्दी भाग सोने। बड़े ही मुश्किल से मरते हैं। कितने बज रहे हैं? हाँ चल निकल, तुम निकल जा रही हूँ, यही चाहिए। हाँ इसे बंद करो। क्यों नहीं बंद हो रहा है? पापा ना बहुत गुस्सा हो गए, पापा बहुत गुस्सा हो गए। कृष्णा अभी तक कंप्यूटर देख रहा था ना, तो पापा आए और फिर पापा ने बहुत डांटा। बोले तो अगर अपन गाँव जाते समझो से 10-12 दिन तो ये तो एकदम घर पे इनका राज ही चलता सबका। फिर उसका तो राज ही चलता ना, उसने नहीं बताया कि मेरा राज चलेगा। ऐसा कैसे राज है जो रात को 12-12 बजे तक राज चल रहा? दिन भर भी क्रिसमस की छुट्टियां चालू। क्या क्रिसमस से छुट्टियां चालू है? दिन भर भी राज चलता है, रात में भी राज चलता है उसका, देखा। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और हाँ विष्णु प्रिया दी को फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ अभी है ना हमें भी एक सेलिब्रेशन करना है, अब आप गेस करो कौन सा सेलिब्रेशन।